वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अडर 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं सुप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो पॉकेट रिवीजन ऑलरेडी आपके 3 चैप्टर के बन चुके हैं, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एंड आर एनवायरमेंट। बचे हुए 2 पॉकेट रिवीजन में आज हम एक पॉकेट रिवीजन को पढ़ने वाले हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस पॉकेट रिवीजन का मतलब, पहली बात मैं कंसेप्ट समझा देती हूँ। वन शॉट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वन शॉट ऑलरेडी बहुत अच्छे से बनाया गया है, आप देखो बढ़िया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी कंटेंट जो है, हर एक लेक्चर जो है प्रॉपरली बनाया गया है, प्लेलिस्ट उसके अवेलेबल, आप देख सकते हो। पॉकेट रिवीजन का मेन कंसेप्ट ये होता है कि हम पूरे चैप्टर को आपको जल्दी से रिवाइज करवा दें, ठीक है। ये जो चैप्टर होता है इसमें हम बहुत समझाने में नहीं घुसेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड द वन शॉट एंड वी हैव कंप्लीटेड द कॉन्टेंट वीडियो। आज के इस पॉकेट रिविजन में मैं फटाफट से विद इन 1 आवर कोशिश करूंगी कि लाइफ प्रोसेस का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस चल रही होती हैं, उन सब को हम लाइफ प्रोसेसेस के अंदर काउंट करते हैं बच्चों। चाहे वो आपका रेस्पिरेशन हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, ये सारी प्रोसेसेस आपकी बॉडी के अंदर चलने वाली वो प्रक्रियाएं हैं जो बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी होती है। सो व्हाट इज द नीड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस टू मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ, ठीक है। रिप्रोडक्शन को हम लाइफ प्रोसेसेस के अंदर जो है काउंट नहीं करते, क्योंकि उसके बिना भी आपकी लाइफ चल सकती है, राइट। उसके बाद जो है लाइफ प्रोसेसेस में, जैसे कि आपने देखा कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो पहला जो लाइफ प्रोसेस हम शुरू करेंगे, दैट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है द ऑब्टेनिंग फूड, ठीक है, द ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, लिख रही हूं मैं, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस होती है? ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड प्रोसेस, जिससे हम न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं फूड से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, राइट। इसमें मेरे को इस वीडियो में बहुत बिल्कुल भी हो हल्ला चिल्ला चोट ये वाली प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि ये पॉकेट रिवीजन है। पॉकेट रिवीजन का दिमाग में हिट होना जरूरी है ताकि आप एक बार में पूरा चैप्टर आसानी से लर्न कर सकें। सो ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, तो प्लांट्स में या ग्रीन एल्गीज में, प्लांट्स प्लस एल्गीज में जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जबकि एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। चलिए, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करूं, वो प्रोसेस जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पौधे जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में हमको जरूरत किन किन चीजों की है बच्चों? इस प्रोसेस में हमें जरूरत है बच्चों क्लोरोफिल की, ठीक है। इस प्रोसेस में हमें किन किन चीजों की जरूरत है बेटा जी? इस प्रोसेस में हमें जरूरत है क्लोरोफिल की प्लस सनलाइट की, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में CO2 और H2O दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। यहां पे रिएक्शन लिख देती हूं मैं, अगर आपको चाहिए तो फोटोसिंथेसिस क्या है? जब एनवायरनमेंट से पौधा CO2 लेता है, पौधे में प्रेजेंट होती है वाटर, वाटर को जब आप सनलाइट, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जोड़ देते हैं तो आपको मिलता है C6H12O6 और निकलती है ऑक्सीजन बाहर, ठीक है। इस को हम कहते हैं ग्लूकोज। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज किस फॉर्म में पौधों में स्टोर होता है? दैट इज स्टार्च, ठीक है। तो ग्लूकोज बनता है, स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो पौधों की जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये दिस इज द बेसिक रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब प्रक्रिया ये है कि भैया फोटोसिंथेसिस यूं ही नहीं हो जाता, फोटोसिंथेसिस के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, समझ में आ गई बात। अब देखो भैया, क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब मैं फोटोसिंथेसिस की एक डायग्राम से पूरी कहानी क्लियर कर दूंगी। थोड़ा फास्ट चलेगा प्रोसेस, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी सारी चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना। देखो, यहां पर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये है क्लोरोप्लास्ट, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर, और सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है। अब सनलाइट पड़ते ही ये क्लोरोफिल जो होता है बच्चों, जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ती है ये क्लोरोफिल जो होता है ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने से आपकी पौधों की लीव्स में प्रेजेंट होता है वाटर, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। इस एनर्जी का इस्तेमाल करके, इसके एक्टिवेशन से, जैसे ही सनलाइट पड़ेगी क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा। क्लोरोफिल के एक्टिवेशन से क्या निकलेगी बच्चों? क्लोरोफिल की एक्टिवेशन से निकलेगी एनर्जी। क्या निकलेगी? एनर्जी। और इस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम जो है पानी को फटाक से तोड़ देते हैं। पानी को तोड़ने से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, बचता है हाइड्रोजन, राइट। अब इस हाइड्रोजन को हम किसी भी चीज में ऐड करेंगे तो वो चीज रिड्यूस हो जाएगी। अब देखो, अब आपके एनवायरमेंट में बहुत सारा CO2 है, CO2 को लाते जाइए, इस हाइड्रोजन को यूज कर करके हाइड्रोजन जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए,
जाइए और C6H12O6 बनाते जाइए, राइट। तो फोटोसिंथेसिस की तीन मेन स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ द क्लोरोफिल, जिससे निकलेगी एनर्जी, जिससे लीफ में प्रेजेंट एक वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा। वाटर के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी, बचा हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन की पावर को यूज करके हम एनवायरमेंट से CO2 को कलेक्ट करेंगे, और भैया CO2 में हाइड्रोजन जोड़ते जाओ तो बन जाएगा C6H12O6, ठीक है। तो भैया ये जो दो स्टेप्स होते हैं लाइट्रेक्शन के होते हैं, और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इज द डार्क रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आ गई बात? सो आई एम वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन कि फोटोसिंथेसिस का स्टेप कैसे कैसे होगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ मत करना, आप थोड़ा सा इस प्रोसेस को स्लो कर देना। जैसे ही आप चीजों को स्लो करोगे, चीजें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। तो फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फोटोसिंथेसिस की स्टेप है जो कहां होती है, भी क्वेश्चन आ सकता है वन मार्क में, कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में देखें कि सबसे अधिक क्लोरोफिल कहां होता है, तो ये जो स्पेसेस दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। इन्हें मीजोफिल सेल्स, सबसे अधिक जो क्लोरोफिल होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो वो इन मीजोफिल सेल्स में ही होते हैं। इसलिए जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है वो इन मीजोफिल सेल्स में ही होता है। ये याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा लीफ दे दिया जाए आपको, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस मीजोफिल सेल्स में होता है, राइट। उसके बाद देखो, द मेन इवेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा तो क्या निकलेगी? बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। इस एनर्जी को इस्तेमाल करके कौन टूटेगा? H2O टूटेगा। H2O टूटेगा तो क्या क्या निकलेगा बेटा जी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन हम बाहर निकाल दो, इसके लिए तो हम बैठे हैं, ठीक है। उनका वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बची हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है? CO2 को रिड्यूस कर देना है कार्बोहाइड्रेट में। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। ये स्ट्रोमा में होता है और ये होता है थैलाकॉइड में, जो मैंने आपको वो बताया था ना, जो सैक लाइक सिक्के लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम थैलाकॉइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? आइए अब देखते हैं, नेक्स्ट इज स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग, ठीक है। स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंडेंट होती है बच्चों, दैट इज द गार्ड सेल, ठीक है। अब देखो क्या होता है, गार्ड सेल एक बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब आप इसमें पानी भर रहे होते हैं तो गार्ड सेल जो होता है वो स्वेलअप हो जाता है। कैसा हो जाता है? गार्ड सेल क्या हो जाएगा? स्वेलअप हो जाएगा। तो ये जो गार्ड सेल की ओपनिंग है ना बच्चों, ये देखो, ये इसको हम कहते हैं स्टोमा, ठीक है। और ये पूरे आसपास गार्ड, ये जो है स्टोमेटा की सेल्स होती हैं। तो ये स्टोमा जो होता है, ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो आप क्या करोगे, इससे भैया O2 बाहर जाने दोगे, इससे CO2 अंदर आने दोगे लीव्स में, क्लियर है। तो O2 बाहर जाने दोगे, CO2 अंदर का जाने दोगे, ठीक है। अब देखो, अगर आप इस गार्ड सेल से पानी को बाहर निकाल दे तो ये गार्ड सेल चिपक जाता है। अगर आप इससे पानी को बाहर निकाल दें, ध्यान से समझो, अगर आप इससे पानी को बाहर निकाल दें तो ये जो गार्ड सेल होती है बच्चों, ये चिपक जाती है और ये जो ओपनिंग है ना आपकी, ये क्लोज हो जाती है। अब ना तो आप कोई चीज जो है स्टोमेटा के अंदर कर सकते हैं, ना तो बाहर कर सकते हैं। स्टोमेटास आर द टाइनी ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। कोई भी गैस का दान प्रदान करना है, पानी का दान प्रदान करना है, तो स्टोमेटा की ये जो ओपनिंग होती है, यहीं से चीजें एक्सचेंज होती है। पानी भरेगा, गार्ड सेल मोटी जाएंगे, स्टोमल ओपनिंग हो जाएगी, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, चीजें अंदर बाहर होंगी, ठीक है। पानी बाहर निकल जाएगा, गार्ड सेल चिपक जाएंगी और आप कोई भी चीज आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Then, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की। इन द हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन किसी और के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं, करते हैं, ये किसी और को ही खा लेते हैं, ये किसी और की हेल्प से ग्रहण करते हैं, उन्हें हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि सैप्रोफाइट, डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म से जो न्यूट्रिशन लेता है, उन्हें हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो दूसरों के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और बेचारे होस्ट को, जिसके ऊपर वो चढ़े हुए हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं होता कि उनके ऊपर कैसा शोषण हो रहा है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो पैरासाइट होता है वो होस्ट के ऊपर चढ़ा रहता है, उसे खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, बेचारे होस्ट को पता रहता है कि हे भगवान उसके साथ क्या हो रहा है, उसको तो बहुत बाद में पता चलता है। जैसे कि टिक्स, माइट्स, कस्क्यूटा, वॉर्म्स, वॉर्म्स भी बहुत खतरनाक जो है पैरासाइट होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर अमीबा और ह्यूमन बींग्स आते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि आप सिर्फ बाहर से क्या लोगे, भोजन लोगे,
बाहर से क्या लोगे, भोजन लोगे, उसके बाद सारी प्रोसेस जो है वो अपने आप ही करोगे। अमीबा का जैसा ही न्यूट्रिशन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है और ये कई बार पूछा भी गया है कि अमीबा का न्यूट्रिशन कैसा होता है। अमीबा के पास बेटा जी होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, अब मान लो बेटा, मान लो कि यहाँ पर फूड रखा हुआ है, ठीक है, तो ये स्यूडोपोडिया के मदद से इन फूड को क्या कर लेता है, ऐसे करके ग्रहण कर लेता है और ऐसे करके, देखना ध्यान से, ऐसे करके गोल सा स्ट्रक्चर बना लेता है। इसके अंदर फूड है, ठीक है, इसके अंदर क्या है बेटा जी, ध्यान से सुनना, ये ऐसे करके गोल सा स्ट्रक्चर बना लेता है, इसके अंदर होता है फूड, इसके अंदर क्या होता है बेटा जी, फूड होता है। अब क्या करेगा, ये अंदर गोल सा ऐसे कर लेगा, दिस इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा बच्चों, डाइजेशन होगा, क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद मटेरियल ऐसा हो जाएगा, उसके बाद इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, उसके बाद वॉल क्या करेगी, इसकी एब्जॉर्ब कर लेगी, वॉल क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब। तो सबसे पहले क्या हुआ है बच्चों, सबसे पहले हुआ है बेटा जी इंजेशन, सबसे पहले क्या हुआ है इंजेशन, इंजेशन के बाद फूड वैक्यूल में क्या हुआ है डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद ये पूरा जो है न्यूट्रिएंट जो है, ये जैसे मान लो कि इसने ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया, तो अब वो करेगा ग्लूकोज का यूज, भैया उसको जो भी काम करना है उसको ग्लूकोज को यूज में लाएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन, और जो बच गया उसे वो बाहर कर देगा, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले क्या हुआ है बच्चों, सबसे पहले हुआ है स्यूडोपोडिया ऐसे ऐसे घूम गए, खाना अंदर ले लिया, इंजेशन, फूड वैक्यूल के अंदर खाना आ चुका है, डाइजेशन, एंजाइम निकलेंगे, बहुत सारे एंजाइम फूड वैक्यूल के अंदर चले जाएंगे, डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट जो है उसको बाहर निकाला जाएगा, वॉल एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद भैया मान लो ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया अमीबा के वॉल ने, फिर ग्लूकोज का यूज डिफरेंट लाइफ प्रोसेस में करते रहेगा अमीबा अपने, तो भैया जो यूज होता है, मान लो ग्लूकोज अपन लोगों ने, हम लोगों ने यूज किया, मान लो एब्जॉर्ब किया हमारी बॉडी ने, तो ग्लूकोज का इस्तेमाल आप कौन सी एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। भैया बहुत सारी एक्टिविटी है, अमीबा को चलना है पंछी बड़ू उड़ के फिड़ू मस्त गगन में, तो भैया उसको ग्लूकोज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो एसिमिलेशन है, ग्लूकोज का इस्तेमाल वो गाना गाने के लिए कर रहा है, और जो बच गया उसे वो एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, सेम न्यूट्रिशन आपका भी ऐसा ही है। देखिए आपका जो जो है, आपका जो न्यूट्रिशन होता है वो आपका पूरा न्यूट्रिशन जो है वो एलिमेंट्री केनाल में होता है। ठीक है, पूरा डाइजेशन, पूरी प्रोसेस जो है वो आपकी एलिमेंट्री केनाल में होती है। आपका जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से होता है, राइट। आपका जो डाइजेशन स्टार्ट होता है बच्चों वो कहां से होता है, माउथ से होता है। आप जो है टीथ में के माध्यम से खाने को चबाते हैं, उसमें सलाइवा को मिक्स करते हैं, डन, और सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज। आपका जो डाइजेशन है वो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। आप करीब 30% स्टार्च को, ध्यान से समझिए, आप करीब 30% स्टार्च को, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप करीब 30% स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में, कान खोल के सुन लो रे, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि सलाइवा में पाया जाता है और ये स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे आंखों के तारों, ये कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। ठीक है, माल्टोज में, माल्टोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मतलब भैया जी ग्लूकोज के दो यूनिट को जोड़ दोगे तो माल्टोज बन जाएगा। 70% स्टार्च स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसी भी चीज को कहीं भी डाइजेस्ट कर लीजिए, हमेशा चीजों का फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता क्योंकि कोई एंजाइम नहीं होता। अब आपका खाना पहुंचा है स्टमक में, स्टमक क्या निकालता है बच्चों, स्टमक निकालता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, स्टमक क्या निकालता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है बच्चों, HCL होता है, एंजाइम होता है और एंजाइम के नाम पे है पेप्सिन, पेप्सिन पिला रहे, ठीक है, और साथ ही साथ गैस्ट्रिक जूस में होता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है बच्चों, HCL के अटैक से स्टमक को बचाता है। अगर HCL स्टमक में अटैक करता रहेगा तो म्यूकस बोलेगा भैया प्लीज बचा दो, आज बचा दो भैया, तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। HCL क्या करता है, HCL के बहुत सारे काम है। HCL एंजाइम्स, देखो जब तक खाना नहीं आया है स्टमक में तब तक HCL बैठा रहेगा, जैसे ही खाना आ जाता है वैसे ही जो आपके जो एंजाइम्स होते हैं, तुम्हें क्या लगता है हर समय एक्टिव रहते हैं, नहीं, आपके स्टमक में जो पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है ये इनएक्टिव रहता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, आपके स्टमक में जो एंजाइम होता है पेप्सिन, वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजन कैसा एंजाइम होता है, इनएक्टिव एंजाइम होता है, अभी वो काम नहीं कर रहा है। जैसे ही भोजन आता है वो HCL पहले एंजाइम को एक्टिव करता है, ये पेप्सिन एक्टिव हो गया। अब ये पेप्सिन जो है, ये पेप्सिन जो है फूड में जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाएगा, ये पेप्सिन उस प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड में तोड़ेगा। पेप्टोन और पेप्टाइड क्या होते हैं, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है अमाइनो एसिड, उनकी छोटी छोटी चेन्स को, अमाइनो एसिड की चेन्स को हम पेप्टोन या पेप्टाइड कह लेते हैं। तो हमने प्रोटीन को तोड़ा, प्रोटीन की बहुत, प्रोटीन इज द लॉन्ग
उसमें चेन ऑफ द अमीनो एसिड हम पेप्सिन की मदद से उसे छोटी छोटी चेनों में तोड़ लेते हैं, ठीक है। और इन चेनों को हम क्या कहते हैं बच्चों, पेप्टोन और पेप्टाइड, ये अमीनो एसिड की चेन होती है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनो, अब आप आते हो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी अलग अलग चीजों की रिसीविंग होती है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है लीवर की रिसीविंग होती है। लीवर क्या निकालता है बच्चों, लीवर निकालता है बाइल। बाइल जो है, ध्यान से सुनो, बाइल भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, साथ में पेंक्रियाज का पेंक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब बाइल जो है, ध्यान से सुनना, गॉल ब्लैडर जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो लीवर के अंदर पाया जाता है। गॉल ब्लैडर लीवर के अंदर पाया जाने वाला एक ऑर्गन है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। गॉल ब्लैडर का काम है कि करीब 150 ml बाइल को कॉन्सेंट्रेट कर दो ताकि फैट का डाइजेशन अच्छा हो सके। नाउ सवाल 10 करोड़ का ये है मेरे प्यारे बच्चों, कि इस बाइल का काम क्या होता है। देखो, जो फैट होता है, फैट को ये जो बाइल के सॉल्ट होते हैं, ये जो बाइल के सॉल्ट होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम क्या है मेरे प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, इस प्रोसेस का नाम होता है बच्चों इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। अब ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब बाइल देखो, अब ये कहानी हो कहां रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बड़ा फैट मॉलिक्यूल छोटे से छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है, बाइल का काम क्या होता है, फैट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको बताती हूं। नाउ पैंक्रियाज जो है वो भी अपना सिक्रीशन जो है कहां देता है बच्चों, ध्यान से सुनना, पैंक्रियाज भी अपना सिक्रीशन कहां देता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब अगर मैं देखूं पिक्की पैंक्रियाटिक जूस की मदद से क्या क्या डाइजेस्ट होता है, ध्यान से सुनना, बाइल की मदद से आपने छोटा छोटा फैट कर रखा है, ये देखो ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट है ये, छोटा हो गया। अब इसके ऊपर काम करेगा भैया पैंक्रियाटिक जूस, और ये सारा कहानी कहां हो रहा है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लाइपेज नाम का एक एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में होता है जो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द फैट, क्लियर है, समझ में आई बात। ऐसे ही आपके पास, जरूरी थोड़ी कि सारा प्रोटीन जो है स्टमक में डाइजेस्ट हो गया, थोड़ा बहुत प्रोटीन बचा होगा, ठीक है। इस प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन। पैंक्रियाटिक जूस में एक और एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन पेप्टोन और पेप्टाइड में जो प्रोटीन बच गया होगा उसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, समझ में आई बात। 30% स्टार्च आपने कहां डाइजेस्ट किया है, माउथ में डाइजेस्ट किया, तो 70% कहां डाइजेस्ट होगा, 70% स्टार्च जो है वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है। देखो सलाइवरी एमाइलेज सलाइवा से निकलता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो है ये पैंक्रियाटिक जूस से निकलता है, ठीक है। स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, माल्टोज में, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से पैंक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में इन सारी चीजों का डाइजेशन करता है, समझ में आई बात। अब देखो ये बात याद रखना कि एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि अगर हम गॉल ब्लैडर शरीर से निकाल दें तो किसका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, फैट का डाइजेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर पूरे बाइल में से 150 ml ले लेता है। मैं गाढ़ा करके देता हूँ ताकि तुम्हारा फैट का डाइजेशन फास्ट हो सके। अब तुम उसी को निकाल दोगे तो फैट का डाइजेशन तो स्लो ही हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो फाइनल डाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो फाइनल डाइजेशन तो भैया जी हमेशा एक ही चीज से होता है, दैट इज द इंटेस्टिनल जूस। ध्यान से सुनते जाना, इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस से सबसे ज्यादा फाइनल डाइजेशन इसी से होता है और कहीं से नहीं हो सकता, राइट। ये क्या करते हैं, पेप्टोन और पेप्टाइड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अमाइनो एसिड में, इंटेस्टिनल जूस अमाइनो एसिड में, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, थोड़ा बहुत जो फैट बचा होगा उसको इंटेस्टिनल जूस में, लाइपेज भी होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देंगे। और क्या होता है, जितनी भी शुगर हैं जो कहीं भी टूट गई हो, नहीं टूटी हो, इंटेस्टिनल जूस की वजह से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे चीजें, स्मॉलेस्ट चीजें जो होती हैं वो हम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कन्वर्ट करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कहाँ कन्वर्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होगा। उसके बाद आपके इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाइज। क्या कहते हैं, विलाइज। और यहां से ये सिंपलेस्ट चीजें जो है विलाइज एब्जॉर्ब करके कहां जाती हैं, ब्लड वेसल्स में आ जाती हैं। नीचे होती हैं इसकी ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स में आ जाएंगी, क्लियर है। ब्लड वेसल्स में आ गई, ब्लड वेसल्स से ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये टिश्यूज में चले जाते हैं, ठीक है। मान लो ग्लूकोज चला गया सेल में, मान लो कहां चला गया, ये ग्लूकोज यहां चला गया, सेल के अंदर ग्लूकोज चला गया, इस ग्लूकोज को तोड़कर हमने एटीपी एनर्जी निकाली। तो हमने ग्लूकोज का इस्तेमाल किस चीज में किया बेटा, एटीपी बनाने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन, राइट। तो आपने पहले विलाइज के माध्यम से एब्जॉर्ब किया, ब्लड मिलाए, ब्लड से सेल को दे दिया, सेल ने उसको तोड़ा, उससे एटीपी बनाई। तो आप
ग्लूकोज जो मिली उसका यूज किस फॉर्म किसके लिए कर रहे हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. ठीक है, जो बच गया उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन में ले जाते हैं और उसके बाद उसे एनस से जो है बाहर कर देते हैं, साथ ही साथ अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन में एनस से बाहर कर देंगे. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट फॉर्म होता है कोलन. ठीक है, अपेंडिक्स क्या होती है, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन जो पहले सेल्युलोज का डाइजेशन करती थी, अब उसका कोई यूज नहीं है. ठीक है, चलिए नाउ इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो गया है, ये मैंने आपको बता दिया कि कौन सी चीज कहां पे निकलती है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. यहां तक की बात क्लियर हो गई है कि आपको. चलो बेटा अब अपन बात करते हैं कि भैया जो न्यूट्रिएंट आपके ब्लड में गए हैं, जैसा भी आपने पढ़ा कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ब्लड में जाते हैं, ब्लड से सेल में जाते हैं, तो सेल में उन न्यूट्रिएंट का क्या काम होता है भैया, उन न्यूट्रिएंट को तोड़ना होता है, तो उसको तोड़ के उससे एनर्जी निकालनी होती है. इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं. द न्यूट्रिएंट विच इज गोइंग इन टू द सेल वी हैव टू ब्रेक डाउन एंड वी हैव टू रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. अब ये रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है बेटा. अगर आपने न्यूट्रिएंट को पूरे परखच्चे उड़ा दिए, उसकी ऐसी कम तैसी कर दी, उसको मार डाला है, उससे खूब पूरी एटीपी निकाल ली है, इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और बिना ऑक्सीजन के ये काम नहीं होगा. पर अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो भी आप अपने न्यूट्रिएंट को थोड़ा बहुत तोड़ के थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकाल सकते हैं ताकि आप मरिए नहीं, दिस इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. पहले इसको पढ़ लेते हैं. देखो ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैंने कहीं और से नहीं लिया, ध्यान से सुनो. ग्लूकोज जो होता है, सॉरी ठीक है, ग्लूकोज जो होता है बच्चों जी, वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. सबसे पहले ग्लूकोज को सेल के साइटोप्लाज्म में लाइए. ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल को आपको पाइरूवेट में, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसमें कन्वर्ट करिए. ये भी प्रोसेस आता है कि ये कहां होता है, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं बच्चों, और ये कहां होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ये आता है. अब अगर आपके ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल थे, पाइरूवेट 3 मॉलिक्यूल के बने तो 2 बनेंगे ना. ठीक है, उसके बाद इससे भी एनर्जी निकलती है. उसके बाद आपके पास दो कहानी है. अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो भैया इसको ले जाइए आप माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 में, वाटर में और ATP में, करीब 38 ATP निकलती है, ATP में कन्वर्ट करिए. जिन बच्चों को नहीं पता है, इसे ही हम कहते हैं क्रैब साइकिल. क्या कहते हैं बच्चों जी, इसे ही हम कहते हैं क्रैब साइकिल. ठीक है, अगर ह्यूमन बीइंग में मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन नहीं बचा, तो आप अपनी मसल में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं लैक्टिक एसिड में. ठीक है, प्लस इससे निकलती है 2 ATP, इससे CO2 बाहर नहीं निकलेगा. ठीक है, और अगर आप यही प्रोसेस कहां कर रहे हैं, पर ये प्रोसेस होगी कहां पे, इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, कहां होगी बच्चों, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा. उसके बाद यही प्रोसेस अगर आप ईस्ट में या किसी बैक्टीरिया में कर रहे हैं, तो ये बनाएगा इथेनॉल. क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा प्लस 2 ATP बनाएगा. तो जब आप इथेनॉल बना रहे तब CO2 निकलेगा, लैक्टिक एसिड में CO2 नहीं निकलता. ठीक है, आप समझो भैया. तो मैम CO2 नहीं निकलता, लैक्टिक एसिड में एक्चुअली 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही होता है, बस हम फॉर्म चेंज कर देते हैं तो भैया उससे एनर्जी निकलती है. अब देखो इसको हम कहते हैं बेटा जी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ये भी क्वेश्चन आता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. और इसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. क्या कहते हैं बच्चों जी, इसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. क्लियर, डन. आइए आगे बढ़ें. तो ये मैंने बता दिया 2 ATP प्रोड्यूस होगी इससे तो भैया 38 ATP प्रोड्यूस होती है. ठीक है, चलो अब देखो, जब भी मैंने आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना सिखाया है, अगर आपने नहीं सीखा है तो अभी भी आपके पास समय है, सीख लीजिए. ठीक है, तो आपका क्या होता है, सबसे पहले आपने अपनी हवा ली. ठीक है, हवा को लेने के बाद यहाँ पे मान लो, यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पे मान लो आपके नॉस्ट्रिल्स हैं, तो यहाँ पर हवा कहाँ आई, नॉस्ट्रिल्स के बाद हवा कहाँ जाती है बेटा जी, ध्यान से सुनो राजकुमार और राजकुमारी. ठीक है, नॉस्ट्रिल से हवा कहाँ जाती है बच्चों जी, नेजल पैसेज में, NP लिख रही हूँ मैं. ठीक है, नेजल पैसेज से कहाँ जाती है, फेरिंग्स में जाती है. फेरिंग्स से जाती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया में सब डिविजन हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं ब्रोंकस. ठीक है, और ट्रैकिया में क्या होती है बच्चों, ट्रैकिया होती है इस तरीके से रिंग्स, जिन्हें हम कहते हैं कार्टिलेजिनस रिंग. ये शी शेप की होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग. क्लियर है, उसके बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस के और ज्यादा सब डिवीजन होते हैं इनटू द लंग्स. ये बना लो लंग्स. ठीक है, लंग्स. ठीक है, और ये नीचे होता है डायफ्राम. ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों जी, ये हो गया आपका डायफ्राम.
और ये हो गए आपके लंग्स, और इन जो है इनको आप सब डिविजन करिए, और लास्ट में ये एक राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। एल्वियोलाई से ही चीजें जो है गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब देखो तो पहला क्या है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से हवा जाएगी, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से यहाँ पर होगा लैरिंग्स, यहाँ पर ऐसे उठा सा क्या होता है लैरिंग्स, ये भी लिख देती हूँ मैं, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाइज, ठीक है। एल्वियोलाई से ही आप गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड में देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में देते हैं ताकि आप एक्सहेलेशन से एल्वियोलाई से आप अपनी एयर को बाहर निकालें। नाउ ऑन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझते हैं कि भैया आप गैसेस एक्सचेंज करते कैसे हैं, ध्यान से सुनना। आपके लंग्स के ऊपर होते हैं रिबकेज, क्या होता है भैया जी आपके लंग्स के ऊपर होता है ऐसे रिब्स होती है, तो जब आप सांस लेते हैं, ध्यान से सुनना, जब आप सांस लेते हो तो आप क्या करते हो, छाती को ऊपर, तो रिब केज ऊपर आता है और डायफ्राम जो मैंने ऐसे करके बनाया था डोम शेप का, वो फ्लैट हो जाता है, तो नीचे से भी लंग्स के लिए जगह खाली हो गई और सामने से भी हो गई, और आप हवा को धूम भर लेते हो और लंग्स को बड़ा कर लेते हो। फिर जब आपको सांस छोड़नी है तो रिब केज अंदर की ओर आता है तो लंग्स पे दबाव बनाता है, डायफ्राम वापस डोम शेप का हो जाता है तो नीचे से दबाव बनता है, तो ऐसे लंग्स पे दबाव, ऐसे लंग्स पे दबाव, हर जगह से दबाव बन रहा है और हवा बाहर हो जाती है, ठीक है, समझ में आई बात। तो याद रखना है कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम फ्लैट होता है, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं डायफ्राम नॉर्मल या डोम शेप का होता है, डोम डोम, ठीक है। अब आ जाओ भैया, अगर हम बात करते हैं कि एल्वियोलाई से आपने एयर को ब्लड को दिया है तो ब्लड में कौन है भैया, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, कौन होता है प्यारे बच्चों, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भड़बड़ ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया, एल्वियोलाई में, सांस छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन कहाँ गया, ब्लड में आया, ब्लड में किसके पास गया, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्यार करता है ऑक्सीजन से, तुरंत उसने ऑक्सीजन को पकड़ा, जाके टिश्यूज में दे दिया, बदले में क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, टिश्यूज बढ़िया ऑक्सीजन की मदद से अपना कहानी कार्बोहाइड्रेट तोड़ते रहेंगे, क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो गैसेस 97% जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर ही ट्रांसपोर्ट होती है, तो 3 ग्राम कैसे, 93% कैसे होती है, घुलकर, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, प्लाज्मा में घुलकर, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अगर आप बात करें कि किसका रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होता है क्योंकि उनका जो मीडियम है एयर है यार, एयर से कोई भी चीज लेने में तकलीफ होती है कि नहीं, तुरंत आसानी से ले सकते हो। यहीं पर अगर आप एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे तो वो डेंसर मीडियम में होते हैं, डेंसर मीडियम से ऑक्सीजन को निकाल पाना इज रियली डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, और उनकी ऑक्सीजन का लेवल भी जो है पानी में कम होता है, इसलिए उनको बेचारे को बहुत ज्यादा सांस लेनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है और आपको भी आ सकता है। अगला सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलकर भी हो सकता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर भी हो सकता है और बाइकार्बोनेट फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है, समझे ना, लंग्स से टिश्यूज की ओर ले जाना किसको, ऑक्सीजन को, और लेकर के आना कार्बन डाइऑक्साइड ताकि आप बाहर निकाल सको। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो गैसेस एक्सचेंज जो होता है, दिन में आप ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, रात में आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं पौधे, ठीक है, पर फिर भी इतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बाहर निकाल पाते जितना वो लेते हैं दिन में, तो जितना वो निकालते हैं 10 गुना ज्यादा तेजी से ले लेते हैं, ठीक है। तो भैया स्टोमेटा से आप गैसेस एक्सचेंज करते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स में लेंटिसिल्स होते हैं ग्रीन स्टेम में, उनसे एक्सचेंज करते हैं, और इवन रूट के क्यूटिकल से भी हम गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम इज द पार्ट जिसमें, भैया जी एक बात बताओ, तू मुझे बता, हीमोग्लोबिन से तुम ऑक्सीजन को बाइंड किए जाके टिश्यूज में छोड़ दिए, टिश्यूज बैठा था, मैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाए बैठा हूँ, ले जाओ मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन लेके वापस लंग्स के पास छोड़ा, तो कौन है ये हीमोग्लोबिन, कहाँ है बेटा, ये हीमोग्लोबिन है आरबीसी में, आरबीसी जो है ये फ्लूइड है, एक आरबीसी एक फ्लूइड में बह रही जिसका नाम है प्लाज्मा, प्लाज्मा और सेल्स को ही तो हम ब्लड कहते हैं, तो ब्लड के कितने पार्ट हो गए, एक प्लाज्मा जिसमें लिक्विड लिक्विड है, साथ में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, क्लियर है। आरबीसी के अंदर क्या है बेटा जी, हीमोग्लोबिन, क्या ट्रांसपोर्ट करवाता है, ऑक्सीजन कितने परसेंट, 97%, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट हो सकती है। अब तुम मुझे बताओ यार कि अगर हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन टिश्यू को दे दिया है तो बदले में वो क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जब हीमोग्लोबिन ही तो बाइंड कर रहा है, कौन बाइंड कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन उससे भी बाइंड कर सकता है। नाउ तो ब्लड का पार्ट पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, कहीं भी इन्फेक्शन हो गया तो डब्ल्यूबीसी आके इन्फेक्शन से लड़ती है, व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं। प्लेटलेट्स क्या करती है, कहीं अगर आपको चोट लग गई तो ये प्लेटलेट क्या करती है, आपके ब्लड में डैमेज आरबीसी डब्ल्यूबीसी को सबको बांध
बांध के रख लेती हैं। प्लेटलेट जो होती हैं वो कुछ इनसॉल्युबल जो है फाइबर टाइप का बनाने लगती हैं, और उन इनसॉल्युबल फाइबर्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो मर गई वो सब ट्रैप हो जाती हैं और वहां पर एक क्लॉट बन जाता है। क्लॉट जो है वो आपके ब्लड को लॉस नहीं होने देता। तो प्लेटलेट का काम क्या होता है, ब्लड में क्लॉट बनाना। क्या काम करता है बच्चों, इधर उधर सब जगह से इनसॉल्युबल सॉल्युबल फाइबर्स मतलब बेसिकली वो प्रोटीन्स को ऐसा बना देते हैं कि तुम प्रोटीन बांध लो आरबीसी डब्ल्यूबीसी को ताकि वहां से ब्लड लॉस ना हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के दो पार्ट, प्लाज्मा और आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा का काम क्या है भैया, डिसॉल्व फॉर्म में गैसेस को न्यूट्रिएंट्स को वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करो। आरबीसी का काम क्या, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करो। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। प्लेटलेट का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, मतलब क्लॉटिंग करना बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आती है, ब्लड वेसल्स, वेन्स, आर्टरियोस, कैपिलरीज और एक अपना हार्ट। चलो शुरू करते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बेसिकली, ध्यान से सुनो बेटा, बस खत्म होने वाला जल्दी से। ब्लड वेसल्स जो होती हैं आपके पास कौन कौन सी होती है बच्चों, आर्टरीज, वेन्स। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स। ठीक है, तो होती है आर्टरीज, आर्टरीज, वेन्स, और यहां पर होती है महारानी साहिबा, कैपिलरीज, और यहां से मैं लिम्फ भी पढ़ाऊंगी अभी आपको। ठीक है, कैपिलरीज, क्लियर है ना। तो आप आर्टरी से कोई चीज एक्सचेंज कर सकते हो, और ये है टिश्यू। हम रो रहे हैं, कोई तो हमारा साथी होगा। ये भाई साहब खूब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके बैठी हुई है टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज क्या प्रोड्यूस करके बैठे हैं, खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये कैपिलरीज में चला जाता है, बदले में कैपिलरीज से क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। तो कोई भी चीज अगर आपको एक्सचेंज करना है तो आप कैपिलरीज से ही कर सकते हैं। कैपिलरीज सिंगल सेल पतली पतली ट्यूब्स होती है जिनसे चीजों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं, विदाउट वॉल्व होता है, इसमें कोई वॉल्व नहीं होता। वेन्स में आपको वॉल्व दिखाई देंगे, वॉल्व। ठीक है, वॉल्व दिखाई देंगे। वेन्स जो होती हैं थिन वॉल्ड होती हैं, सुपरफिशियल होती है। आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा, थिक वॉल्ड और अंदर की ओर होती हैं, डीप इनसाइड। और कैपिलरी सिंगल सेल की होती है, एक्सचेंज हमेशा कैपिलरी से। कभी कभी कैपिलरी से कोई कोई चीजें जो है लिक्विड, थोड़ा सा प्लाज्मा, ध्यान से सुनना, कभी कभी इस कैपिलरी से थोड़ा सा प्लाज्मा, थोड़ा सा प्लाज्मा, थोड़े से प्रोटीन्स और थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी फिल्टर होकर बाहर आ जाता है और इन टिश्यूज के चारों तरफ भर जाता है। इसे हम कहते हैं लिम्फ। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लिम्फ। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, क्लियर। इस फ्लूइड के माध्यम से बहुत सारी चीजें ब्लड से आती हैं, जैसे कि गैसेस आती हैं, CO2 आता है, कहीं O2 आता है। इससे आप लिम्फ से बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं। लिम्फ से क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं बच्चों, लिम्फ से न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लिम्फ से वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लिम्फ से गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इट इज जस्ट लाइक ब्लड, ये ब्लड से ही फिल्टर होकर बना है बच्चों, पर एक्स्ट्रा टिश्यूज के बीच बीच में पाया जाने वाला फ्लूइड। ब्लड तो भैया कैपिलरीज के अंदर ही होगा हमेशा, फ्लूइड जो प्रेजेंट है लिम्फ के चारों तरफ वो टिश्यू के चारों तरफ वो लिम्फ ही होता है। ठीक है, अब देखो भैया क्या होता है कि यहां से इस टिश्यू से छोटी छोटी लिम्फैटिक कैपिलरी निकलती हैं। क्या निकलती हैं बच्चों जी, लिम्फैटिक कैपिलरी। अब ये लिम्फैटिक कैपिलरीज जो होती हैं ये ज्वाइन हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, लिम्फैटिक वेसल। क्या बनाती हैं, लिम्फैटिक वेसल। बहुत सारी लिम्फैटिक कैपिलरीज जो होती हैं वो लिम्फैटिक वेसल बनाकर आपकी ये, एक्चुअली यहाँ पे वेन होना चाहिए, ठीक है, वेन बनाया नहीं मैंने, यहाँ से बना देती हूँ। लिम्फैटिक कैपिलरीज जो होती हैं ये लिम्फैटिक वेन वेसल बनाती हैं और ये जाकर वेन में ज्वाइन हो जाती है। ये किस में ज्वाइन हो जाती है, वेन में ज्वाइन हो जाती है। तो कुल मिला के आप ब्लड के ही फिल्ट्रेशन से बने हो, अल्टीमेटली ब्लड में ही मिल जाओगे। तो मैम काय को बनाया बेटा, टिश्यूज को कोई चीज़ देनी है, टिश्यूज से कोई चीज़ लेनी है, तो आप कैपिलरी तो लिम्फ को देता है, फिर लिम्फ टिश्यूज को देता है, समझे ना, इट ये मिडिल मैन है। अगर आपको टिश्यू से कोई चीज लेना है पहले लिम्फ को दो, लिम्फ देगा कैपिलरी को, कैपिलरी से कोई चीज लेनी है कैपिलरी पहले लिम्फ को, लिम्फ टिश्यूज को, और लिम्फ बन किससे रहा है, कैपिलरी से ही बन रहा है। तो पहले जो भी वेस्ट हो गया उसको लिम्फेटिक कैपिलरी में डालो, कैपिलरी जाएगी वेसल में, वेसल ज्वाइन हो जाएगी वेन में, तो अल्टीमेटली बनते आप उसी से हो और उसी में ज्वाइन हो जाते हो, क्लियर है। चलिए नाउ देखते हैं, ये सब मैंने बता दिया। आर्टरीज जो होती हैं वो जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेन जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मैं आपको हार्ट के बारे में बता देती हूँ। पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो कहाँ से आता है बच्चों, वेना कैवा से आता है।
सुपीरियर वेना कैवा से डायफ्राम के ऊपर से, इंफीरियर वेना कैवा में से डायफ्राम के नीचे से आया, फिर वो एक चेंबर में आता है जिसे हम कहते हैं एट्रियम, एट्रियम से जाता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ब्लड पंप होकर आता है एक आर्टरी में जो कि एक एक्सेप्शन है। नॉर्मली आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर यह एकमात्र आर्टरी आपकी बॉडी की ऐसी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। फिर यह लंग्स में ले जाती है ब्लड, लंग्स के आसपास ब्लड वेसल्स फैली हुई है, लंग ये कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देती है, लंग्स को, और बदले में क्या ले लेती है ये ब्लड वेसल्स, ऑक्सीजन। अब देखो अगर आर्टरी से तुम गए थे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके तो एक और एक्सेप्शन लाओ, पल्मोनरी वेन, ये भी एक एक्सेप्शन है जो जनरली वेन कैसा के ब्लड कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड, पर ये वेन ऐसी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और ये लाते हैं लेफ्ट ऑरिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद जो है ये एओटा में डाल देते हैं, एओटा से पूरी बॉडी में ब्लड चला जाता है। तो अगर आप देखें तो आपके हार्ट में दो बार ब्लड आ रहा है, एक बार पूरी बॉडी से और एक बार पल्मोनरी वेन से, लंग से, तो इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। तो अगर आप लंग्स में ब्लड भर रहे हैं, देखो, तो इसे आप क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। तो जब आप लंग्स में ब्लड दे रहे हैं थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स से ब्लड ले रहे हैं, ठीक है, दिस इज थ्रू द पल्मोनरी वेन, इसे आप कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग्स को ब्लड देना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हो लंग्स में, वहां ऑक्सीजनेटेड कर रहे हो, फिर वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आ रहे हो ताकि पूरी बॉडी में जाए पंप होके, तो अगर आप लंग्स को दे रहे हो, लंग्स से ले रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर आयोटा पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देती है और वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लाती है, इसे कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जब आप टिश्यूज को ब्लड, टिश्यूज को ऑक्सीजन देते हैं और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मतलब जब टिश्यूज कनेक्टेड हो, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर आप देखो तो दो सर्कुलेशन है, लंग्स से, एक बार आप लंग्स से ब्लड ला रहे हो, एक बार पूरी बॉडी से ब्लड ला रहे हो, तो हार्ट में दो बार ब्लड आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। क्लियर है? डबल सर्कुलेशन बर्ड्स में भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए, डन डन डन, लिम्फ मैंने आपको बता ही दिया। नाउ अब आते हैं प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में, ध्यान से देखो मेरी, अब हम लोग बात करने वाले हैं द प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन की। बेटा प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात मैं 15,525 बार करती हूँ पर तुम मेरी बात ही तो नहीं सुनते। देखो भैया ऐसा है, इधर आओ, सबसे पहले एक बनाओ स्टेम, इधर बनाओ एक रूट, है ना, इसको समझने का बेस्ट तरीका यही है, इससे ज्यादा नहीं है। अब ये लीफ जो है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे बेटा तो सब समझ में आएगा, नहीं सुनोगे तो दुनिया में कभी नहीं समझ पाओगे कि भगवान कसम ये हुआ क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास स्टोमेटा होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्टोमेटा से पानी का लॉस होता रहता है। ठीक है, स्टोमेटा से क्या होता है, पानी का लॉस होता रहता है। अब लीफ में पानी की कमी बनी रहेगी, अब ध्यान से सुनना, अब ये जो स्टेम होता है, ध्यान से सुनो, इधर आओ, थोड़ा मोटा स्टेम बना लेती हूँ मैं। अब ये जो स्टेम होता है मान लो, ठीक है, इस स्टेम में होते हैं जाइलम। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों जी, जाइलम, जाइलम वैसल्स जिन्हें हम कहते हैं। अब ये जाइलम कहां तक होते हैं, यहां तक होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, सॉइल में क्या पड़ा होता है, पानी, और क्या पड़ा होता है, मिनरल। मिनरल कौन होती है, बीवी। बीवी चढ़ जाती है रूट पे, बोल रही है मायके जा रही हूं मैं, भाड़ में गई दुनियादारी, बीवी चढ़ गई। बीवी मतलब कि सॉल्यूट या कोई भी मिनरल, बीवी सॉल्यूट या मिनरल को चढ़ाने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, हमेशा एटीपी। ये बात याद रखेंगे आप, सॉल्यूट या मिनरल बिना एटीपी के कभी भी नीचे आएगा रूट के अंदर। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या आ जाएगा भैया, बीवी को छोड़कर चला जाएगा कोई, तो भैया पानी तो चाहिए चाहिए, तो यहाँ पर पानी भी आ जाएगा। अब ये जो पानी है ये कैसे आएगा बेटा, पैसिव, तो ये भी पैसिवली आएगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर मिनरल या सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करना है तो एक्टिवली करना है, पैसिवली होता है वाटर। अब ये दोनों कहाँ चढ़ जाएंगे बच्चों, ये चढ़ जाएंगे जाइलम में। कहाँ चढ़ जाएंगे बेटा जी, जाइलम में चढ़ जाएंगे। अब जाइलम में ये वाटर का और मिनरल का एक कॉलम बन जाएगा, कॉलम, और ये कॉलम जो है ना ये इस तरीके से यहां पे जुड़ा रहेगा। तो देखो वाटर 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 के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम कहते हैं कोहेजन, और ये वाटर का चैनल किससे जुड़ा हुआ है, जाइलम की दीवारों से, इसे हम कहते हैं एडहेशन। क्या कहते हैं, एडहेशन। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए मैंने बता दिया। वाटर का एक चैनल बन जाएगा बाय द कोहेजन फोर्स और ये जाइलम के इस तरीके से चिपक जाएगा, दोनों चिपकते 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 इस तरीके से पूरा ये वाटर और मिनरल का चैनल जो है इस तरीके से लीफ में बन जाएगा। अब ये पानी ऐसा क्यों हो रहा है कि ऊपर जा रहा है, क्योंकि लीफ में पानी की कमी हो रही, तो लीफ जो है एक नेगेटिव पुल जो है वो ऊपर की ओर लगा रही है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन पुल, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन पुल। और ट्रांसपीरेशन पुल के माध्यम से हम हमेशा
मिनरल एंड वाटर को उन प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं जिनकी लेंथ 100 मीटर तक लंबी होती है। इस प्रोसेस को हम जो है ट्रांसपीरेशनल पुल भी कह सकते हैं, ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं। तो ये याद रखना कि ट्रांसपीरेशन की वजह से ही पौधा जो है इतनी लंबी लंबी लेंथ जो है पानी को, पानी जो है लंबे लंबे लेंथ में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, लीफ में कभी पानी की जरूरत ही नहीं होगी तो रूट से क्यों छूटेगा, रूट देगी नहीं पानी। ठीक है, छोटे पौधों में क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन पुल की जरूरत नहीं, अपने आप जो है जालम में आ जाओगे रूट प्रेशर से, मतलब अपने आप जो है पानी और मिनरल एक दूसरे को धक्का मारते जाएंगे और लीफ तक पहुंच जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर छोटे पौधों के लिए होता है, ट्रांसपीरेशन बड़े पौधों के लिए होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहीं पर अगर मैं बात करूंगी ट्रांसलोकेशन की, तो अगर देखो ट्रांसपीरेशन पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा रूट से लीफ की ओर होता है, उल्टा नहीं हो सकता। यहीं पर अगर मैं फूड के ट्रांसपोर्टेशन की बात करूंगी तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनो, पौधों की जो पत्तियां होती हैं, जैसे कि ध्यान से सुनना, जैसे पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो क्या बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है शुगर, यहां पे बनेगी। अब पर हमें मान लो कि हमें लीफ में शुगर बनाया है पर हमें रूट को शुगर चाहिए, तो कैसे जाएगा रे बेटा, सुनो मेरी बात। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, किसी भी प्रकार का सॉल्यूट चाहे मिनरल होगा वो हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से ही जाएगा। अब एटीपी दे दे के सारा तुम कहां, जो जितना भी आपके पास शुगर है वो एटीपी दे दे के कहां ला लो आप, पहले फ्लोएम में ला लो, और जाइलम से इधर से क्या ले लो, पानी ले लो, पानी पानी। ठीक है, पत्नी आ गई है फ्लोएम में, पति उधर जाइलम से आ जाएगा, अब जो है पैसिवली आ जाएगा पानी। तो अब ये धक्का मार मार के पानी सॉल्यूट को कहां छोड़ देगा, रूट की सेल में छोड़ देगा और पानी वापस जाइलम में चला जाएगा। इस तरीके से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन मल्टी डायरेक्शनल होता है बच्चों, ये याद रखना है। ठीक है, डन 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 डन। अब आ जाओ बेटा ध्यान से सुनोगे तो अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, तो यू हैविंग टू किडनीज, बीन शेप की होती हैं। किडनीज के ऊपर जो है आपकी जो ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो कि एड्रिनलिन नाम का हार्मोन निकालती है। किडनी के पास दो ब्लड वेसल की सप्लाई होती है, पहली होती है रीनल वेन। ठीक है, रीनल वेन जितना भी अच्छा वाला ब्लड है उसको हार्ट की ओर लेके जाती है, क्योंकि वेन है ना बेटा, उसके पास ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ये जितना अच्छा वाला ब्लड है जिसमें इम्प्योरिटीज है ही नहीं उसको हार्ट की ओर लेके जाती है ताकि ऑक्सीजनेटेड कर सके। रीनल आर्टरी वो है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली वेसल, पर वो वेस्ट वाला ब्लड लेके आती है ताकि जो किडनी है उसको फिल्टर कर सके। पर किडनी लल्ला मेरे प्यारे बच्चों है तो एक ऑर्गन ही ना, उसको भी तो वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो रीनल आर्टरी आती है ऑक्सीजन दे देती है पर साथ में गंदगी भी लेके आती है और इन इम्प्योरिटीज को किडनी फिल्टर कर देती है और वेन से वापस हार्ट की ओर भेज देती है। जो भी यूरिन फिल्टर हुआ है वो यूरेटर से आएगा, एक ब्लैडर में आएगा, ब्लैडर में स्टोर रहेगा, फिर यूरेथ्रा से पास हो जाएगा जब भी आपको सूसू जैसा कुछ लगता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आपके किडनी के पास होते हैं नेफ्रॉन। क्या होते हैं बच्चों, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं, अगर वो एक बार बन गए तो वापस से वो नहीं बन सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब किडनी के नेफ्रॉन में सबसे पहले एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बोमन्स कैप्स्यूल। यहाँ आई डोंट नो क्यों नहीं लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं बोमन्स कैप्स्यूल। क्या कहते हैं बेटा जी, इसे हम कहते हैं बोमन्स कैप्स्यूल। मैंने आपको बताया कि रीनल आर्टरी की ब्रांच, देखो एक रीनल आर्टरी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन में तो जा नहीं सकती, तो उसकी जो ब्रांच होती है उसकी एक ब्रांच, यहां आर्टरी लिखा है पर एक ब्रांच जो है वो आती है। ठीक है, उसके बाद यहां पर वो बंच के फॉर्म में पड़ी रहती है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पे बोमन कैप्सूल से फिल्टर होंगी चीजें, नीचे आएंगी। अब क्या नहीं फिल्टर होगा, बड़े बड़े प्रोटीन नहीं फिल्टर होंगे, आरबीसी फिल्टर नहीं होंगी। उसके बाद यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर ये जो एरिया होता है इसे कहते हैं पीसीटी, इसे हम कहते हैं, इस वाले एरिया को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इस वाले एरिया को कहते हैं डीसीटी। डीसीटी से क्या एब्जॉर्ब होता है, पानी और सॉल्ट एनएसीएल, पर कब होता है, सिर्फ इमरजेंसी में, हमेशा नहीं होता रहेगा। ठीक है, सिर्फ कब होगा मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में होगा। ठीक है, लूप ऑफ हेनले से क्या होता है बच्चों, वाटर प्लस NaCl एब्जॉर्ब होता है। 75% चीजों का एब्जॉर्प्शन, देखो कभी भी बड़ी चीजें सूसू में नहीं आएंगी फिल्टर होके, जैसे बड़ा प्रोटीन नहीं आएगा, छोटी छोटी शुगर, मिनरल, वाटर, यूरिया, ये सब फिल्टर होकर आता है। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इस कलेक्टिंग डक्ट में आपका वेस्ट मटेरियल भर जाएगा और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है किडनी के बाहर खुलेगी, यूरेटर में, किडनी के बाहर से यूरिन
में, यूरेटर में, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से बाहर। अब जो अच्छी चीजें आपने अब्सॉर्ब की है वो कहाँ जा रही है, जो बाजू बाजू में ब्लड वेसल्स दिख रही है ना, यहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो नेफ्रॉन के पास ये पावर होता है कि अगर गलती से अच्छी चीजें नीचे फिल्टर होकर आ गई तो वो वापस से इन चारों तरफ पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स को दे देता है। इवन ये भी पावर है कि अगर गलती से गंदी चीजें ब्लड में बच गई तो वापस से नेफ्रॉन में आ सकती है। तो अगर मैं बात करूं कि नेफ्रॉन का पहला वर्क क्या होता है, तो सबसे पहला होता है नेफ्रॉन वर्क। ठीक है, दिस इज द लास्ट थिंग वी हैव टू स्टडी, नेफ्रॉन का क्या वर्क होता है। सबसे पहले नेफ्रॉन का वर्क होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नंबर वन इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है बच्चों? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब सिर्फ आप जो है गंदी गंदी चीजों को फिल्टर कर लेंगे। मतलब कोशिश तो यह रहती है कि कुछ भी अच्छा वाला फिल्टर ना हो गए, पर वो इतने छोटे होते हैं वो आ ही जाते हैं। फिर उसके बाद होता है नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। कुछ अच्छी चीजें अगर आ गई होंगी तो हम सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब करके नेफ्रॉन से कहां भेज देते हैं, बाजू वाली ब्लड वेसल को। थर्ड होती है एक्टिव सिक्रीशन। एक्टिव सिक्रीशन क्या होता है? अगर मान लो ब्लड वेसल में कुछ गंदा चीज चला गया तो उसे वापस से हम नेफ्रॉन में ला सकते हैं इस प्रोसेस से। ठीक है, तो दिस इज द नेफ्रॉन, क्लियर है? तो ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड एक्टिव सिक्रीशन, दीज आर द नेफ्रॉन के वर्क। अगर आपकी किडनी खराब हो जाए तो आप हीमोडायलिसिस भी करवा सकते हैं। हीमोडायलिसिस आपके सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है, तो वो मैं पहले ही बता देती हूँ। सो प्यारे बच्चों, ये आज हमने सीखा योर पॉकेट रिविजन इन अ वेरी लेस टाइम, इन अ वेरी लेस टाइम। मतलब आई थिंक सबसे बड़े चैप्टर का सबसे छोटा पॉकेट रिविजन में मैंने बनाया है। और बेटा जी, ये बॉम्ब है, बॉम्ब। और ये एक दिन देखना ऐसा एक्सप्लोजिव होगा ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये वन शॉट पॉकेट रिविजन पूरे यूट्यूब में धमाका मचाने वाला है, ये बात याद रखिएगा। आई होप जो आप कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें आप सक्सेसफुल हो। शिप्रा मैम आपके साथ है, आपको आखिरी दम तक पढ़ाती रहेगी जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉकेट रिविजन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।